सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। वन प्लस नॉट या फिर वन प्लस जी आप कह सकते हो, इसी स्मार्टफोन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इस स्मार्टफोन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाला है। गाइस यहाँ पे सारा डिटेल्स देने वाला हूँ इसके स्पेसिफिकेशन से रिगार्डेड, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ गाइस, छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस, लिंक दूंगा मैं एक वीडियो का नीचे कमेंट में और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके जरूर देखना। वो मेरा नया वीडियो है, पबजी चैनल के ऊपर है, जाके जरूर देख लेना, काफ़ी फनी वीडियो है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी OnePlus Z के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे फोन के डिजाइन के बारे में। तो गाइस, आपको OnePlus 7 या फिर OnePlus 7T का डिजाइन याद होगा, बिल्कुल ठीक सेम टू सेम आपको डिजाइन देखने को मिलेगा OnePlus Z में। ग्लास वाली बॉडी देखने को मिल जाएगी, ग्लॉसी ग्रेडिएंट का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिलने वाला, पीछे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। गाइस काफी अच्छा डिजाइन होने वाला, ये तो आप कंफर्म लिख ही लो। यहां पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोन के यहां पे डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस यहां पे 6.56 इंचेस का डिस्प्ले होगा, जिसमें कि फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा। और वन प्लस की डिवाइसेस के डिस्प्ले के बारे में आपको कुछ कहना ही नहीं है। गाइस यहां पे डिस्प्ले काफी टॉप नॉच क्वालिटी की होती है, तो यहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। आपको बजट वाले स्मार्टफोन में भी देखने को मिल रहा है। सेंट्रल में पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा, मतलब की फुल व्यू डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। और आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलने वाला है। आगे बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस या चिपसेट के बारे में। तो गाइस इसमें आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 765 वाला एसओसी, जो कि गाइस एक 5G रेडी चिपसेट है, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे परफॉर्मेंस तो काफी टॉप नॉच होगा, साथ ही आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है इसी डिवाइस के ऊपर। साथ ही आपको एंड्रॉइड 10 और यहाँ पे वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो गाइस क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिलेगा और आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक और सेंसर मिलेगा। साथ ही आपको एक और सेंसर देखने को मिलने वाला, जिसके बारे में कंफर्मेशन नहीं की गई है। साथ ही आपको सेल्फी में देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो लास्टली बताता हूँ फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में। तो गाइस इसमें आपको देखने को मिलेगा 4300 mAh का बैटरी, साथ ही आपको 30 वाट का वॉप चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि होगा USB टाइप सी के थ्रू। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है, काफी अच्छा, तो आपका फोन काफी अच्छा बैकअप देने वाला और काफी जल्द चार्ज भी हो जाने वाला है। तो बस गाइस ये थे उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ डिटेल्स जो कि मैंने आपको दे दिया। पसंद आया तो बेशक लाइक करना। रही बात फोन के प्राइसिंग के बारे में, तो गाइस इसका फोन का जो प्राइस आने वाला है, ये करीबन आपको 25,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है इसी डिवाइस के बारे में। और रही बात लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस ये 10 जुलाई को आने वाला है हमारे इंडियन मार्केट्स में। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में आप सभी के लिए रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।